हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ अहूजा का SSA 250M एम्पलीफायर, जिसको मैं अक्टूबर 2013 से कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मैं पर्सनल रिव्यू दूंगा और साउंड टेस्ट कराऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये पावर स्विच है ऑन ऑफ करने का। तो आइए ऑन करते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको ऑन किया, इसकी पावर LED ब्लिंक कर गई। ये ओवरलोड की LED है, ये रीसेट स्विच है। जब एम्पलीफायर ओवरलोड हो जाता है तो ये रीसेट पॉप आउट हो जाता है, जिसको आप बहुत आसानी से वापस अंदर पुश करके रीसेट ऑफ कर सकते हैं। एम्पलीफायर रीसेट तब होता है जब इसमें इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड दे दिया जाता है। ये इसके टोन कंट्रोल्स हैं, बेस और ट्रेबल का है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये -10 से +10 तक जाता है। ये -10 से +10 तक आपका जाता है। मिड पे आप रखेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और ये है इसका साउंड और ड्राइवर सिलेक्शन स्विच। जब आपको हॉर्न चलाना हो तो आप इस साइड कर दीजिएगा, तो आपको इसमें बेस कट हो जाएगा, और आप बॉक्स पे करेंगे तो इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हैं इसकी आउटपुट लेवल LEDs। ये तब ग्लो करती हैं जितना आपका एम्पलीफायर आउटपुट देता जाता है, उतनी ज़्यादा ही ग्लो करती जाती हैं LEDs। आप अगर यूज़ कर रहे हैं इसको, तो कोशिश करें कि लास्ट इसकी +3 dB की LED ब्लिंक कम से कम करें। ये है इसकी मास्टर वॉल्यूम, ये है इसका इनपुट सेक्शन वॉल्यूम्स। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइक्स हैं। ये उनकी सबकी वॉल्यूम्स हैं, जिसमें कि आपको माइक 5 और माइक 6 में ऑक्स सिलेक्शन स्विच मिल जाता है। आप इधर करेंगे तो आपका ऑक्स चलेगा, इधर भी आपका ऑक्स चलेगा, और इधर आप करेंगे तो माइक चलेगा। तो आइए इसका बैक व्यू देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका ऑक्स 1 इनपुट है, ये ऑक्स 2 इनपुट है, ये है प्री एम्प आउटपुट फर्दर रिकॉर्डिंग कनेक्टर के लिए, ये आपका लाइन आउट का सॉकेट है। आगे आपका एम्पलीफायर और कनेक्ट करना है या किसी क्रॉसओवर में आउटपुट देना है उसके लिए, यह आपका लाइन इन है मिक्सर या DJ मिक्सर या किसी क्रॉसओवर से इनपुट देने के लिए। यहाँ पे आपको आहूजा की ब्रांडिंग दी जाती है। ये रहा मॉडल SSA 250M मेड इन इंडिया, जो कि है ये इसकी ओरिजिनल एम्पलीफायर की पहचान है कि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाता है, जो कि ओरिजिनल एम्पलीफायर में आहूजा प्रोवाइड कराता है। ये है आपके लो इम्पीडेंस के आउटपुट, जो आपको कॉमन 4 ओम और 8 ओम में मिल जाते हैं। मैं इसमें सिंगल बॉक्स यूज़ करता हूँ 15 इंच 400 वाट का, तो उसको मैंने कॉमन 8 ओम से लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं LMT का आउटपुट है, कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट। इसमें आपके लाइन मैचिंग ट्रांसफॉर्मर्स, आपके लाउड स्पीकर्स या सीलिंग स्पीकर्स या वॉल माउंट स्पीकर, जिनमें ट्रांसफॉर्मर होता है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये DC पे भी ऑपरेट हो जाता है, 24 वोल्ट DC पे, यानी कि 2 कार बैटरी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये है इसका पावर कॉर्ड, जो कि 460 वोल्ट एम्पियर इनपुट पे चलती है 240 वोल्ट पे। ये रहा इसका फ्यूज़, जैसा आप देख सकते हैं 480 पे है। तो कुछ ऐसा है इसका बैक पैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड में आपको हीट सिंक इसका दिख रहा होगा, जिसमें कि 3 MOSFETs हैं, 1, 2, 3, एंड सेम 3 MOSFET आपको इस साइड पे मिल जाते हैं, 1, 2, 3। तो ये टोटल 6 MOSFET का एम्पलीफायर है। देखते हैं इसका इंटरनल सर्किट। ये रहा आपका इंटरनल पार्ट, ये आपका एम्पलीफायर बोर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, PCB बोर्ड भी इसको बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड पे सारे इसके पार्ट्स जुड़े हुए हैं। ये आपका रहा आउटपुट ट्रांसफार्मर, जो कि आपके स्पीकर आउटपुट हाई और लो इम्पीडेंस पे प्रोवाइड करता है। ये रहा इसका मेन ट्रांसफार्मर, पावर इनपुट ट्रांसफार्मर इसको आप बोल सकते हैं। ये रहा इसका कैपेसिटर, जो कि इसके अंदर लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही 15,000 UF की वैल्यू है इसकी। तो आइए इसका साउंड टेस्ट करते हैं। हमारा एम्पलीफायर पहले से ऑन था, हमने इसमें ऑक्स केबल कनेक्ट कर लिया, इसमें हम NCS का सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। इसको मैंने करेंटली ऑक्स 1 में कनेक्ट कर रखा है, तो आइए अपना सॉन्ग प्ले करते हैं। ये रहा इसका मास्टर वॉल्यूम, ये रहा इसका ऑक्स वॉल्यूम। अपने एम्पलीफायर का ऑक्स को सेकेंड चैनल में कनेक्ट कर लिया है, तो आइए वॉल्यूम बढ़ाते हैं। You may live tomorrow, as
सो फ्रेंड्स, हमने अपने माइक को चैनल वन में कनेक्ट कर लिया है, आइए अपने माइक को चेक करके देखते हैं। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। ये था चैनल वन का, इसको हम चैनल टू में लगाते हैं। हेलो 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 हेलो, ये था चैनल टू। चैनल थ्री में हमने लगा लिया इसको। हेलो 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 चेक, हेलो। चैनल फोर में लगाते हैं इसको। हेलो 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 हेलो। चैनल फाइव में लगा लेते हैं इसको। हेलो हेलो हेलो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये ऑक्स टू पे मोड पे था, इसको माइक सिक्स पे करेंगे जिससे कि माइक का इनपुट दे। हेलो 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 हेलो। तो ये था इसका माइक टेस्ट, आपने जैसे देखा एकदम क्लियर साउंड आई थी इसकी। तो अभी तक इस एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसको मैं कंटिन्यू 7 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट यूज करते हुए। तो मैं पर्सनल रिव्यू दूंगा इसका कि आप इसको जरूर परचेज करें। हालांकि इसके दो नए मॉडल्स आ गए हैं, SSL 250 DP, जिसमें आपको USB और ब्लूटूथ सिस्टम इसके साथ मिल जाता है इनबिल्ट, ये नॉर्मल मैनुअल एम्पलीफायर है। और एक आता है इसका SSL 250 FX, जिसमें आपका एको का वॉल्यूम इसी में होता है साउंड, जैसे माइक में इसमें एको नहीं था, आप एको एडजस्ट कर सकते हैं उस मॉडल। एम्पलीफायर 14,500 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, मेरे यहाँ से आप लेते हैं GST बिल के साथ में मिलेगा, 1 ईयर वारंटी रहती है इसके ट्रांसफॉर्मर्स पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कॉमन एम्पलीफायर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्लास ए एम्पलीफायर है, इंडियन एम्पलीफायर है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं और अमेजिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज़।